बहू बनी ड्राइवर। मंजीत की शादी रोहन से होती है। रोहन को नशे की बुरी लत लगी होती है। एक दिन, अरे माँ, मेरा एक साइड का शरीर काम नहीं कर रहा है, मैं आज खेतों में कैसे जाऊंगा? अरे बेटा, ऐसा ना बोल, तेरे पापा के जाने के बाद से तू ही घर चलाने का सहारा है, मैं डॉक्टर को बुला लाती हूँ। देखिए बहन जी, रोहन के शरीर के एक साइड में लकवा है, अब वो कभी ट्रैक्टर नहीं चला पाएगा। घर में मनहूसियत का माहौल हो जाता है। लीजिए माँ जी, रोटी खा लीजिए। अरे बेटा, मुझे तो भविष्य की चिंता हो रही है, मेरा एक ही बेटा है और वो भी माँ जी आप चिंता ना करें, जब तक ये बीमार है मैं खेत जाकर काम कर लिया करूंगी। वैसे भी नशे के कारण इनका शरीर काफी कमजोर हो गया है। अगले दिन मंजीत खेत में जाकर काम कर शाम को घर लौटती है। ये ले बेटा, पानी पी ले, कैसा रहा काम का पहला दिन? माँ जी काम तो ठीक है, लेकिन मैं अगर ट्रैक्टर चलाना सीख लूँ ना तो काम और भी आसान हो जाएगा। अरे बेटा, दुनिया क्या कहेगी कि औरत होकर ट्रैक्टर चला रही है? मान जी, या तो हम दुनिया देख ले या अपना घर, कोई बात नहीं, जब ये ठीक हो जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। अरे बहू, जरा बाहर तो आना। जी माँ जी। बहू, तेरे मामा जी आए हैं, तूने बुलाया था ना? हाँ माँ जी, वो मामा जी ना आज से मुझे ट्रैक्टर चलाना सिखा। मंजीत मामा से ट्रैक्टर चलाना सीखती है। वो मन लगाकर खेतों में काम करती है। और एक दिन, माँ जी पता है इस बार पूरे गांव में सबसे ज्यादा फसल का उत्पादन हमारे खेतों में हुआ है, इस साल तो खूब पैसे आएंगे। हाँ, सास खुश नहीं होती है, वो चुपचाप वहाँ से जाने लगती है। तभी मंजीत उसे रोक लेती है। क्या हुआ माँ जी, आपको खुशी नहीं हुई? बेटा, आज डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि रोहन के ठीक होने के लिए 5 लाख रुपए की जरूरत है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। मंजीत शांत हो जाती है। अगले दिन सास मंजीत के पास आती है। बेटा, ये मेरे गहने हैं, इसे अपने गहनों के साथ जोड़कर सुनार को दिया, जितने पैसे हो ले आ, डॉक्टर को आज ही देने हैं। मंजीत अपने गहने और सास के गहनों को लेकर दुकान में बेचकर पैसे लेकर घर आ जाती है। माँ जी, सिर्फ 3 लाख रुपए का ही इंतजाम हो पाया है, बाकी के पैसे कैसे आएंगे? बेटा, अब तो एक ही चारा है, हमें जमीन भी बेचनी पड़ेगी। माँ, खेत बेच देंगे तो खाएंगे क्या? अरे बेटा, कोई दूसरा चारा भी तो नहीं है, रोहन ठीक हो जाए तो वो मेहनत करके इससे भी बड़ी जमीन ले लेगा। सास बहू मिलकर खेत भी बेच देते हैं। अब पूरे पैसे लेकर सास डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर साहब, ये लीजिए सारे पैसे, बस किसी तरह मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए। आपका बेटा ठीक तो हो जाएगा, लेकिन 6 महीने का समय लगेगा। सास बहू सोच में पड़ जाते हैं कि अब तो कोई जरिया भी नहीं रहा जहाँ से उन लोगों को कमाई हो, अब कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? माँ जी, मेरे माता पिता ने लड़की होने के कारण मुझे ज्यादा पढ़ाया लिखाया नहीं, लेकिन ट्रैक्टर चलाना सीख कर मैं कुछ काम करने के लायक तो हो ही गई हूँ। अरे बेटा, ट्रैक्टर अब कहाँ चलाएगी, खेत तो बिक गए हैं। माँ जी, मैं किसी और के खेतों में दिहाड़ी में काम कर लूंगी, कुछ तो पैसे आएंगे ही ना। ये कहकर मंजीत काम करना शुरू कर देती है। जैसे तैसे उन पैसों से गुजारा चल ही रहा था। माँ जी, पास के अस्पताल से मुझे नौकरी के लिए ऑफर आया है, पैसे भी ये 4 गुना ज्यादा मिलेंगे, और अब खाने पीने दवाई के साथ हम कुछ पैसे भविष्य के लिए भी जोड़ पाएंगे। लेकिन काम क्या है बहू? माँ जी, मुझे अस्पताल की एम्बुलेंस चलानी है। अरे, तू तो मेरी बहू नहीं, बेटा है बेटा, जरूर जा बेटा। और हाँ, तूने पूरे गांव में एक मिसाल कायम कर दिया कि हर काम हर कोई कर सकता है, उनके लिए लड़की या लड़का होने की कोई जरूरत नहीं। मंजीत मन लगाकर काम करना शुरू कर देती है। आगे जाकर वो खुद का एम्बुलेंस भी खरीद लेती है, और अब तो उसका पति भी ठीक हो जाता है, और सब पहले से भी ज्यादा खुशहाल जिंदगी जीने लगते हैं।